हेलो गाइस, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पार्क प्रॉपर्टीज में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, जो कि लाल पेटी के नाम से जाने जाते हैं। और ये फ्लैट आपको मात्र मिलने वाले हैं 7 लाख ऑनवर्ड्स में। और इसकी लोकेशन जो है बहुत ही बेहतरीन है, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस फ्लैट्स के बारे में फुल जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी पर 80% लोन है और साथ ही साथ आपको 2.5 लाख की सब्सिडी का फायदा भी मिलने वाला है। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ्लैट्स यहाँ पर लाल पेटी के नाम से मशहूर हैं, और ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 1 BHK 1 बेडरूम हॉल किचन बाथरूम इसमें बनाकर दिया है, जिसकी अलॉटमेंट 2002 की है और इसकी पोजेशन जो है 2005 में दी गई थी। इसकी लोकेशन की बात करें तो ये फ्लैट्स ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन 1 में स्थित हैं, बिल्कुल 130 मीटर रोड से लगते हुए। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर ऑक्यूपेंसी ग्रेटर नोएडा के हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जब ग्रेटर नोएडा का नाम आता है तो सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं या नहीं। इस सोसाइटी के अंदर ही आपको डेली वेजेस का सामान भी मिल जाता है और आप भी इसमें अपना फ्लैट परचेज करके कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इन फ्लैट्स में एक्सटेंड का ऑप्शन भी होता है, वैसे ही इन फ्लैट्स में भी काफी अच्छा स्पेस यहां पर आपको मिल जाता है। अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 3 BHK जो है आपका इस फ्लैट में मॉडिफाइड करके बन जाता है। बताइए 7 लाख रुपए में और क्या चाहिए, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड। और हाँ, इस सोसाइटी में वाटर सप्लाई भी 3 बार होता है और अन्य सोसाइटीज में सिर्फ 2 बार ही होता है। बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का पड़ता है, जो कि एक्वा लाइन का है। और ग्रीनरी के मामले में बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा ग्रीनरी के मामले में सबसे नंबर 1 पर आता है। पार्क और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको यहाँ पे भरपूर मिलेगा, और कार पार्किंग की भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि ये सोसाइटी जो है काफी बड़े एकड़ में जो है बनी हुई है। तो बिना समय गवाए चलिए प्रस्थान करते हैं फ्लैट की तरफ। तो ये आ चुके हैं हम फ्लैट के एकदम एंट्रेंस पे, और इस बिल्डिंग में जो है आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर है। तो चलिए, इसके जस्ट सामने जो है आपको पार्क देखने को मिल जाएगा और काफी ग्रीनरी भी है यहाँ पे। ओमिक्रॉन 1 में पड़ता है ये जो है। चलिए मैं अंदर से आपको फ्लैट जो है वो दिखा देता हूँ, आइए। एक फ्लोर पे जो है इसके 4 फ्लैट है, देख सकते हैं आप। और एंट्रेंस करते ही जो है इसका हॉल है, जो कि 9x15 का है, और हॉल के साथ ही जो है इसका अटैच टॉयलेट है। और ये पूरा फ्लैट जो है 32 मीटर में जो है ये फ्लैट बना हुआ है, जो कि मात्र आपको 7 लाख ऑनवर्ड्स में मिल जाता है। और ये है इसका बालकनी एरिया, जो कि यहाँ पे लोगों ने एक्सटेंड करके जो है इसे किचन भी बना रखा है। तो ये बिल्कुल रॉ कंडीशन में है जो फ्लैट आप देख रहे हैं। और ये है इसका किचन, तो किचन के साथ एक विंडो भी है। और ये है इसका बाथरूम। तो लो बजट में तो सर यही मिल पाएगा आपको, बहुत ही कम बजट में जो इतना साइज दे रही है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको, बहुत ही अच्छा फ्लैट मुझे लगा ये देख के। तो इस फ्लैट को परचेज करने के लिए आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन के दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फ्लैट, तो कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसका बाहर का ओवरव्यू मैं आपको अभी करा देता हूँ। ये फ्लैट्स के जो है मीटर्स लगे हुए हैं। इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिलते रहे ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR की प्रॉपर्टीज के। मैं आपका होस्ट देव शर्मा, पार्क प्रॉपर्टीज नोएडा से।